राज्यरे भयंकर स्थिति मात्र 24 घंटे राज्यरु 6164 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती यार मध्य खोर्धा जिलारु 1132 जन संक्रमण चिन्हट होती एने ट्वीट कर सूचना देखते राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग चिन्हट होता आक्रांत मध्य क्वारंटीन सेन्टर 3575 जन चिन्हट होता बेले स्थानीय अंचल अर्थात लोकाल केस रही 2599 ए समस्त आक्रांत 30 जिलारु चिन्हट होती आज 7 मुंड नहीं महामारी तेज संपर्कित तो अधिक सूचना पाई सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति दिव्य सरकार वर्तमान पूरा प्रस्तुत रही किभली कोविड को मात दिजा सत्वे देखू नाइट कर्फ्यू करागला सप्ताहत सटडाउन चलित सप्ताह ठू लागू करूँ यारी भितर दिनक दिन कोरोना संक्रमण वृद्धि घटू कौन सूचना रहा देखो चिन्मय निश्चित भाव सरकार अनेक पदक्षेप नौते भी संक्रमण हार दिनक दिन बढ़िवार लगी जदि आज परिसंख्यान आम देखा गत काली आज जो परिसंख्यान रही है निश्चित चिंताजनक गत काली जो संक्रमण संख्या 4851 था आज संख्या बढ़ी 6164 अर्थात गोटे दिन में 1313 संक्रमित संख्या बढ़ी तो यूर आप अनुमान करते जदि दिन को 1314 संख्या बढ़े ताल केवल अप्रैल मास सुधा संख्या के विशेषकर आम जदि एक दिन भर कथा देखा एक 47463 संक्रमित चिन्हट हेले तो क्योंना क्योंकि आम टेस्टिंग हार जी बढ़िया कथा से बढ़ुना जहां आज टेस्टिंग हार रही आप देखिए आज टेस्टिंग हार जमा रही 42983 तो एति 42983 भितर 6000 संक्रमित चिन्हट होती है जी टेस्टिंग हार आहरी बढ़े जदि 60000 पाखापाखि 70000 टेस्टिंग हार हुए ताहले संक्रमित संख्या दुई गुण हो जहाँ विशेषज्ञ आकलन करते आउ गोटे कथा आप देखिए जदि देखा आज खोर्धा जिला सब रेकर्ड भांगी दे खोर्धा जिले में पूर्वर एत संख्यक संक्रमित के चिन्हट हो गत थर जो लहर था से समय भी खोर्धा जिले में केवे हजार ऊपर को जाइन खोर्धा जिला आज सर्वाधिक 1132 संक्रमित चिन्हट होती जहां कहूम भुवनेश्वर अर्थात बीएमसी अंचल सर्वाधिक केस रही अंपटे आप देखिए नुआपड़ा हाउ कलाहांडी हाउ सुंदरगढ़ हाउ जिला निश्चित गोटे प्रश्न रही सीमांतवर्ती जिला वर्तमान प्रशासन वर्तमान चिंतार कारण हूँ सीमांतवर्ती जिला किभली बाहर राज्य लोक मैंने न आसवे जो मैंने आसुच्च भाव में गाइडलाइन को अनुपालन करेंगे किंतु यार भितर खोर्धा कथा जिते आसुच्चे वर्तमान खोर्धार सर्वाधिक चिन्हट होती मानने 1132 जन संक्रमित चिन्हट होती वास्तविक जदि देखा खोर्धा तो नियम कड़ाकड़ी करा जाइछि आपण खास करी भुवनेश्वर कथा जानिथिबे जो भली बारे वर्तमान चेकिंग करा जाउछि नियम को कड़ाकड़ी करा जाइछि किंतु काही कि खोर्धारु एते संख्यक संक्रमण चिन्हट होउछि वास्तविक भाबरे खोर्धारे टेस्टिंग संख्या वृद्धि घटुछि ना संक्रमित संख्या वृद्धि घटुछि देखु चिन्मय आमे जदि कहिबा खोर्धा अर्थात भुवनेश्वर होउछि राज्य राजधानी एथि को तमाम लोक मानकर जास रही है समस्त चलप्रचल ये जगह रही है वाणिज्यिक कथा हो कि राजनैतिक कथा हो कि अर्थनैतिक दिगरे समस्ते यही जगह को आसती एठ विभिन्न जगह को जाती तो से दृष्टिकोण वर्तमान खोर्धार जेहेतु भुवनेश्वर रोचे भुवनेश्वर में अनेक लोक समागम रोच चलप्रचल रोच से परिसंख्यान बढ़ुची जहाँ विषय मैंने कहते एटी परिसंख्यान बढ़ स्वाभाविक कारण एटी अनेक लोक अनेक समय जाऊक लोक बाहर आसान द्वारा संक्रमण एटी वृद्धि पाची ता सहित मुझे आपको कही रखुचे आज मृत्यु हार द्वितीय लहर सर्वाधिक रही द्वितीय लहर के 7 रु 5 रु अधिक लोक मृत्युवरण कर आज 7 जन लोक मृत्युवरण करछन्ती कोरोना रे जो थे गंजाम रायगढ़ में 2 लेखे रही कलाहांडी खोर्धा और आप देखिए कंधमाल एठ जड़े लेखाएं संक्रमित मृत्युवरण करछन्ती मोट मृत्यु संख्या बर्तन 1965 रे पहुंचुची अर्थात मृत्यु संख्या भी धीरे धीरे ताल दे बढ़ुची जिते बड़े संक्रमण संख्या बढ़ुची से ही ताल दे मृत्यु संख्या भी बढ़िया लगला पूर्व 5 ही सर्वाधिक था बर्तमान 7 छुला यह आग को हे तो आहरी बढ़ी पाए जो भी सिचुएसन बर्तन आसना को आउ गोटे कथा कह विषय मैंने कहते मे मस पिक पिक को जीव और मे मस पर धीरे धीरे कमी जदि मे मस पिक को नगला ताहले मे जून जुलाई अगस्ट तीन मास आम अति भयंकर हेब से समय आमको सतर्क होगा पड़ो और सब विधि व्यवस्था को सजाड़ा पड़ो जो आम स्वास्थ्य व्यवस्था रही सजाड़ा पड़ो कारण एत अभिज्ञता आम ना जेहेतु पूर्व आम ये परिसंख्यान को
ସାମ୍ନା କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ସେଟା ନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କିଭଳି ସେତେବେଳର ପ୍ରିପାରେସନ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଅହିମା ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା, ଏବେଠୁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଠାକାଠିରେ ପଡିବା, ସେତେବେଳକୁ ଅଣଆୟତ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ନା ସରକାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି, ପୁରା କଟକଣା ରହିଛି, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ହୁଏତ ଆମେ କୋରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇପାରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।